दृष्टि हमारी पूरी फैलनी चाहिए। हमारे मन से किसी के लिए विरोध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैविक खेती अपने आप में प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने का एक तरीका है। तालमेल पूर्वक, क्या तालमेल है? धरती की, अब आप देख सकते हैं दो तीन मुद्दे आएंगे, धरती की भौतिक और रासायनिक संरचना संतुलित रहे। इसलिए यदि मैं धरती में बाहर से कोई मिट्टी मिलाता हूँ या खाद मिलाता हूँ तो धरती का संतुलन, रासायनिक संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए खाद, क्योंकि धरती अपने आप में खनिज है। खनिज का मतलब है खजाना, जितने रस पौधे को चाहिए वो धरती से मिलते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो उपलब्ध है कि अनुपलब्ध है, स्थिति में है या गति में है। तो हमें स्थिति में तो है, गति में लाना है। गति में लाने के लिए कि हम जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूँ स्वेदस संसार, ऐसा कीड़े मकोड़े का संसार जो आंखों से दिखता नहीं है और आंखों से दिखता भी है। कुछ हैं जो आंखों से दिखते हैं, कुछ हैं जो आंखों से नहीं दिखते, उनको हम किसी यंत्र के माध्यम से देखते हैं, लेकिन वो प्राण कोशाओं से रचित संसार है, उसमें हलचल है, वो रस छोड़ता है। तो अब जब मैं इसको देखता हूँ बारीकी से तो मुझे पता लगता है कि जमीन में जीवांश कार्बन भी चाहिए और जीवाणु तंत्र भी चाहिए। तो जीवांश कार्बन, जीवाणु तंत्र दोनों समृद्ध कैसे रहें, इसके लिए मुझे धरती के साथ काम करना है।